नाम डॉक्टर मोहम्मद अनिल रजाक है और मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और मैं तैयबपुर विज्ञान हॉस्पिटल इंडस हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी को लीड कर रहा हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल, ये जो स्नोरिंग या फ्लाटें हैं ये हेल्दी नहीं है और इसकी वजह से कुछ बीमारियां स्टार्ट होती हैं जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सांस नींद में सांस का रुकना, और जब नींद में फ्लाटों की वजह सांस रुकता है तो वो आगे बहुत सारी मर्जों को जन्म देता है, जिनमें हमारे पास ओपेसिटी हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम है, ओपेसिटी हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम, तो उसमें ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ओपेसिटी है, और जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना और इसी तरह हमारे पास डायबिटीज का हो जाना, तो दिल की बहुत सारी बीमारियों भी इसी से ही ये जन्म लेती है। जी, और इसमें होता ये है कि जिसको फ्लाटे आ रहे हैं या स्नोरिंग है उसके साथ उसको इस मर्ज का नहीं पता होता, क्योंकि वो सो रहा होता है उसे फ्लाटों का नहीं पता होता। जो उसके साथ फैमिली है, जो उसके साथ रह रहे हैं, उनको इस बात का पता होता है, लेकिन वो शुरू शुरू में वो इसको हेल्दी मतलब नॉर्मल कंसीडर कर रहे होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे फैमिली मेम्बर जिनमें घर में अगर किसी को नींद के दौरान फ्लाटे आते हैं तो उसके बारे में लाजमी किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से, ठीक है, कंसल्टेंट से रिव्यू लाजमी करें ताकि मर्ज को स्टार्ट में ही पकड़ा जाए और उसे हम सेग्रीगेट कर लें, मतलब हम उसे शिनाख्त कर लें कि क्या ये लाजमी ये जो है वो नॉर्मल है, हेल्दी है, या जो कि ये बीमारी का मतलब स्टार्ट हो रही है। जी बिल्कुल, इसकी जो मर्ज है इसमें हमारे पास जो मेन रिस्क फैक्टर हम कहते हैं, वजह कहते हैं, उनमें सबसे ऊपर जो टॉप पे आता है ना वो तो ओबेसिटी आता है, ठीक है, लेकिन उनके साथ ओबेसिटी के साथ जो छोटे छोटे साथ हैं उनमें जेनेटिकली भी बहुत सारे लोगों का जो बनावट गले की ऐसी होती है, सांस के नाले की ऐसी होती है कि उसमें फ्लाटे पैदा होते हैं, लेकिन उस वो तो छोटे छोटे साथ काफ़ी सारे मिलते हैं, लेकिन उनमें मेन जो जब ओबेसिटी उसके ऊपर आ जाती है तो मर्द फिर उसके बाद जो है तेजी पकड़ता है और ज़्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल, बीमारी ये जो है हमारे पास जिसे हम स्लीप एपनिया या स्नोरिंग कहते हैं ये मर्दों में होती है, ज़्यादा होती है तो इसलिए कहा जाता है कि मर्दों में ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्दों में हो, ये फीमेल में भी होती है, औरतों में भी होती है, और इवन ये बच्चों में भी होती है। बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे अंदर स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फ्लाटे पैदा होते हैं, जैसे उनके पास टॉन्सल्स होते हैं, टॉन्सिलाइटिस मतलब किसी टॉन्सल्स आ रहे हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं सांस की नाली में, और इसके साथ एडिनाइड्स होते हैं वो करते हैं। तो ये मर्द बच्चों में भी पाया जाता है, औरतों में भी होता है और मर्दों में भी होता है, क्योंकि मर्दों में ज़्यादा होता है एक उम्र तक, तो इसलिए ज़्यादा सोचा यही जाता है कि मर्दों में ज़्यादा। जी इस मर्ज की तशखीस के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, मतलब नींद का टेस्ट, और ये टेस्ट के लिए हमें पेशेंट को सुनाना ज़रूरी होता है और नींद में हम ये टेस्ट करते हैं। हमें जब पेशेंट को हमारे पास रेफर होता है या जो पोजीशन देखता है तो वो फिजिकल अपेयरेंस से आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को ये मसला हो सकता है। फिर जब पेशेंट कंसल्टेंट के पास आता है तो हम उसकी स्लीप स्टडीज करवाते हैं। स्लीप स्टडीज में हम डिफरेंट पैरामीटर देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम मतलब चीज़ों को देखते हैं जिनमें से जो हमारे पास आती हैं, एक तो सांस की रफ्तार हम देखते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास उसमें हम फ्लाटों की रफ्तार देखते हैं, फ्लाटे कितनी बार आ रहे हैं और कितनी ज़ोर से आ रहे हैं, हम उसकी वॉइस को नोट करते हैं, उसके साथ हम दिल की रफ्तार को देखते हैं, और साथ में हम जो हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल आ रहा होता है फ्लाटों के दौरान हम वो देखते हैं, और इसी फ्लाटों के दौरान हम दिल की रफ्तार को देखना ज़रूरी इसलिए होती है कि इस दौरान में दिल पे असर पड़ रहा होता है। तो इसके अलावा हम जो है पेशेंट के हम पोजीशन देखते हैं कि फ्लाटे जब आ रहे थे तो उसकी पोजीशन क्या थी, हम टांगों पर भी तारे लगाते हैं या हम मसल के ऊपर जो पट्टे कहते हैं उसके ऊपर तारे लगाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जब हम लेवल वन की स्लीप स्टडी कहते हैं, जिनको लेवल वन की कहते हैं, उसमें हम ब्रेन के ऊपर भी तारे लगाते हैं और हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ब्रेन का मसला तो नहीं है जिसकी वजह से इसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही और नींद पूरी ना होने की वजह से जो है इसको और फ्लाटे आ रहे हैं। तो ये हम सारा दोनों चीज़ों को ब्रेन का मसला भी साथ साथ देख रहे होते हैं और हम साथ
सांस की नाली का और मतलब मल्टीपल चीजों को हम देख रहे होते हैं। पूरी नाइट का ये टेस्ट होता है, इसमें 5 से 6 घंटे ये टेस्ट रात में होता है, उस दौरान मरीज सोया हुआ होता है और हम इसके सारे पैरामीटर देख रहे होते हैं। जी बिल्कुल, टेस्ट के बाद जो है हम इसकी ये देखते हैं कि उसमें टेस्ट का रिजल्ट क्या आया। मोस्टली हमारे पास जो ज्यादातर केसेज होते हैं 95% मोर देन 95% केसेज, उसमें मसला जो पैटर्न का होता है वो सांस की नाली में तंगी का होता है। और जो हमारे सांस का लेने का रास्ता है मुंह से, जैसे हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं, उस एरिया में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सांस को रोक रहे होते हैं, तो उनका इश्यू हो सकता है या माउथ की बनावट का इश्यू हो सकता है, तो उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सबसे जो हमारे पास स्टार्ट में है उसमें हम सबसे पहले ओबेसिटी, क्योंकि मेन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ओबेसिटी जो है ना वो मेन एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम लाइफ मॉडिफिकेशन का बताएंगे, ठीक है, देखेंगे। हमें स्लीप के टेस्ट से ही, पॉलीसोमोग्राफी से ही पता लगेगा कि क्या ये लाइफ मॉडिफिकेशन से बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा लाइफ मॉडिफिकेशन का होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि क्या इसको ओरल अप्लायंसेज आती हैं जिसके ऊपर मुंह के अंदर हम छोटी सी डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई चीजें रखते हैं ताकि उसका सांस का रास्ता जो है मुंह से वो ना रुके, वो खुला रहे और सांस अच्छी तरह से वो हवा अंदर फेफड़े में जा सके और स्नोरिंग पैदा ना हो। उसके बाद हमारे पास कुछ सर्जरीज भी आती हैं, हम वो करते हैं ताकि रिकमेंड करते हैं और सर्जरी से जो है वो बेटर हो जाते हैं। और सबसे लास्ट जो मैं जिसके मोस्ट जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, वो हमारे पास एक सांस को बेहतर करने के लिए एक हवा देने की मशीन होती है। हवा को प्रेशर से हम देते हैं, उससे क्या होता है कि सांस की जहाँ रुकावट नाली तंग हो रही है वो उसको ओपन रखती है, उसको उस मशीन का नाम हमारे पास ही पैप होता है, जिसे हम कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कहते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन होती है। और यही इसके रिजल्ट सबसे अच्छे देखे गए हैं और यही रिकमेंडेशन है। बाकी स्टार्ट में जो हम सर्जरीज कह रहे थे और जो हम डिफरेंट ओरल अप्लायंसेज हैं उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। सर्जरीज का वहाँ तो बहुत अच्छा इफेक्ट है जहाँ पे सिर्फ मसला सांस में कोई ग्रोथ है या कोई अंदर कोई ऐसी जैसे बड़े बड़े टॉक्सिन होते हैं वो मसला करें तो बिल्कुल गट अच्छे आएंगे, अदरवाइज नहीं। उसी तरह माइक्रोगेंथे के पेशेंट होते हैं, कोई मैगडिला के माउथ केसेज होती हैं, जो बोन्स होती हैं, इनका भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से चीज़ अच्छा वर्क करती है। लेकिन मेन जो हमारा ट्रीटमेंट है जो मोर देन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में मोर देन, मैं तो कहूँगा कि 90% केसेज में जो है वो ट्रीटमेंट हमारे पास सीपैप होता है और बहुत अच्छे से। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक देखने में एक छोटा सा मतलब प्रॉब्लम है जिसमें मैंने जो अपने मरीजों में देखा है, वो कहते हैं कि हमने मरीज को अपने एक अलग कमरे में सुला दिया है तो हमारी जान छूट गई है, बस ये कमरे में बैठा हुआ जो है ना फ्राटे लेता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्राटे से उसके जो इश्यूज बनते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम है मरीज के लिए। शुरू में मैंने एक नाम लिया जिसे मैंने ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम कहा, तो ये सिंड्रोम एक ऐसी हम उस वक्त बोलते हैं जब ये बहुत सारी मर्दों का एक मंबा होता है, मतलब बहुत सारी मर्दों को इन्वॉल्व होता है। तो इस मर्ज से जो मरीज के लिए इश्यू पैदा होते हैं उनमें दिल का मसला पैदा होना, ठीक है, दिल की रफ्तार का ज़्यादा कम होना और उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड होना और दिल का अटैक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास शुगर जो है, पेशेंट जो डायबिटिक नहीं है उनकी शुगर उन्हें होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे होते और हमारे बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं ना वो डीप स्लीप में आ रहे होते हैं, तो जब तक हम डीप स्लीप में नहीं जाएंगे वो हार्मोन स्लीप नहीं होंगे, तो हार्मोनल इश्यूज भी आते हैं। मेरे पास बहुत सारे यंग पेशेंट ऐसे हैं 28 से 35 के दरमियान जिनको हार्मोनल इश्यूज आ रहे होते हैं और हार्मोनल इश्यूज की वजह से वो जो है फादर नहीं बन पा रहे होते, वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हम कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इसकी वजह से स्लीप एपनिया की वजह से आता है। तो मेरा देखने में ये मर्द एक छोटा है जो घरों में बहुत सारे मैं देखता हूँ कि कोई एक ना एक फैमिली का मेम्बर होता है, पर लेकिन कलेक्टिवली जो ये छुपा हुआ मर्द है इसको देखना चाहिए, फैमिलीज को है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और फौरन अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्टेंट से रिव्यू करना चाहिए और इस ताकि इससे पहले बहुत सारे मसले क्रिएट हो जाएं एक छोटी सी मर्ज की वजह से, उसको पहले एड्रेस कर लेना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए।
जी, और इस मर्ज के बारे में कंप्लीट मालूमात के लिए या कोई आपकी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, उसके तशखीस के बारे में मजीद जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हेल्पलाइन के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मजीद इसके बारे में बताया जाएगा।